जनपद जालौन के कुठन थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के अधिकार एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनजर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों को महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज कुठौन थाने में महिला डेस्क का शुभारंभ सांसद भानु प्रताप वर्मा एवं सर्कल के सीओ विजय आनंद को फीता काट कर किया, जिस पर 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहेगी जो महिलाओं की समस्या को सुनेगी। इसके पहले महिलाओं को थाने में अपनी बातें कहने में झिझक एवं शर्म महसूस होती थी, अब महिलाएं अपनी बात निसंकोच महिला डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी को बेझिझक बता सकेगी और उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर निस्तारण किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का श्रेय सांसद भानु प्रताप वर्मा ने व मंचासीन अधिकारियों ने थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी को दिया। माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में संचालित हो रहा था। उसी क्रम में आज थाना कुठौंद के महिला हेल्प डेस्क को एक सुसज्जित कक्ष में स्थापित किया गया है। इस अवसर पे हमारे जालौन के लोकप्रिय सांसद भी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा इस कक्ष का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं इस थाना क्षेत्र की आएँ उनकी समस्याओं को सुना जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। और कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या देखकर थानाध्यक्ष के कार्यों की जमकर तारीफ भी की। कार्यक्रम में मंचासीन अधिकारियों में SDM जालौन गुलाब सिंह, CO विजय आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने महिलाओं को अपने वक्तव्यों से जागरूक किया। BCN न्यूज के लिए जनपद जालौन से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट।